विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, नमस्कार। सिग्नल ट्रांसमिशन एट साइनेप्सिस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, सिग्नल ट्रांसमिशन एट साइनेप्सिस, और ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए, एक्सप्लेन द इवेंट्स एट सिग्नल ट्रांसमिशन एट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्सिस। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो साइनेप्स है, यानी कि न्यूरॉन है, बेसिकली न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में जो नर्व इम्पल्स है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। तो वो दो तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आगे बढ़ेगा। एक जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के फॉर्म में, और दूसरा जो है वो होगा केमिकल सिग्नल ट्रांसमिशन के फॉर्म में। और क्या होता है, क्या इवेंट्स है, कैसे होता है, तो हम इसका डिस्कशन अब शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जो हमने मसल कंट्रैक्शन का जो टॉपिक लिया था, उसमें आपने देखा था कि जो जब हम मसल कंट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नर्व है वो मसल के साथ में जुड़ती है, ठीक है, और वो जो जुड़ती है जहाँ पे, उस जगह को हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिनेप्स जो है, देखिए, हम बोल देते हैं साइनेप्स, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको सिनेप्स कहें। तो सिनेप्स जो है वो है क्या, वो एक ऐसा विस्तार है कि जहाँ पे सिनेप्स जो है वो एक ऐसा विस्तार कि जहाँ पे दो न्यूरॉन जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, या तो फिर दो न्यूरॉन के बजाय न्यूरॉन और जो इफेक्टर सेल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टर सेल जो है वो मसल सेल हो सकता है, या तो बॉडी की जो ग्लैंड है उसका सेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो फिगर हम देख रहे हैं, पहले तो ये देखिए, ये जो सेल बताए हैं, ये दो जो सेल हैं, ये हैं टू पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स ऑफ अ सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो ये दो सेल हैं, दो नर्व सेल दिखाए हैं, ठीक है, और इनको पोस्ट गैंग्लियोनिक कह रहे हैं। अच्छा, और इनके साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, तो ये वाला जो है, ये क्या हुआ, आगे वाला सेल है, ठीक है। तो आगे वाला जो सेल है उसको क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। तो ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो हैं, अगर आप देखें यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, प्री गैंग्लियोनिक जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ में अब कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो जहाँ पे कम्युनिकेट करता है, यहीं पे जो सिनेप्स है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो नर्व सेल का जो एग्जॉन है, ठीक है, और एग्जॉन का जो टर्मिनल है, एग्जॉन एंडिंग, तो देखिए वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो साइनेप्स बन रहा है, ठीक है, तो ये देखिए, ये सेल बताया, तो ये जो सेल है ये किसी ग्लैंड का सेल हो सकता है, ठीक है, या तो स्केलेटल मसल हो सकता है ये जो है, जैसे कि, और फिर या तो ये जो है, ये सेल इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच वाला जो सेल है ये स्मूथ मसल का है, और कार्डिक मसल का सेल भी हो सकता है। तो ये हम समझ रहे हैं कि जो एग्जॉन जो है, नर्व सेल जो है, वो किसके साथ में जुड़ सकता है, तो जो ग्लैंड के सेल हैं उनके साथ में, फिर स्मूथ मसल के जो सेल हैं उसके साथ में जुड़ सकता है, कार्डिक मसल के साथ में जुड़ सकता है, स्केलेटल मसल के साथ में भी ये जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जुड़ते हैं उस स्थान को ही हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो टर्म है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन,
ठीक है, प्री प्री यानी क्या, बिफोर यानी जो आगे वाला जो नर्व सेल है उसको हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, कैरीज अ नर्व इम्पल्स टूवर्ड अ साइनेप्स। तो जहाँ पे साइनेप्स हैं, जहाँ पे दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, साइनेप्स बनाएंगे, वहाँ पे ये जो आगे वाला जो न्यूरॉन है वो क्या करता है, वो नर्व इम्पल्स लेके आता है। ठीक है, चलिए अब फिर ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है, इट इज़ द सेल दैट सेंड्स अ सिग्नल, ये आगे वाला जो नर्व सेल है वो ही सिग्नल को भेजता है। अच्छा, पीछे वाला जो न्यूरॉन है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक सेल कहेंगे, और ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो है वो ऐसा सेल है जो रिसीव्स अ सिग्नल, जो सिग्नल को पाता है, नर्व इम्पल्स को ये रिसीव करता है। अच्छा, तो जो पीछे वाला जो है पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो है वो क्या है, नर्व सेल है या तो, ठीक है, तो इसको अगर वो नर्व सेल है तो उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक, क्योंकि जो सिनेप्स है उसके पीछे है इसलिए उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, दैट कैरीज अ नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम अ सिनेप्स। ये पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है वो क्या करता है, जो नर्व इम्पल्स है उसको सिनेप्स से दूर ले जाता है। ठीक है, और या तो जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल जो है, या दूसरा और क्या हो सकता है कि इफेक्टर सेल हो सकता है। इफेक्टर सेल मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कोई जो ग्लैंड का सेल हो सकता है, या तो बॉडी में जो स्मूथ मसल सेल, या तो हमारा स्केलेटल मसल सेल, या तो कार्डियक जो सेल हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो इफेक्टर सेल हैं या तो पोस्ट जो सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो क्या करते हैं, तो रिस्पॉन्ड टू द इम्पल्स एट सिनेप्स। ठीक है, तो ये इफेक्टर जो सेल है वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे नर्व इम्पल्स को सिनेप्स वाली जगह पे, है ना, वहीं से ये रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं। अच्छा, ये जो फिगर अगर आप देखिए तो ये फिगर क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाल कलर में जो सेल देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, लाल कलर में जो सेल दिखाया है वो क्या है, वो है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप ध्यान से अगर देखा जाए तो देखिए ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि माइलिनेटेड, ये जैसे कि अनमाइलिनेटेड है, ये देख रहे हैं तो हम माइलिनेटेड हैं, ठीक है, ये माइलिनेटेड है, ये माइलिनेटेड, और ये है अनमाइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड या तो अनमाइलिनेटेड जो बहुत सारे जो न्यूरॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही जो मोटर न्यूरॉन है ये वाला सेंटर में रेड कलर में, उसके साथ में क्या कर रहे हैं, सिनेप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिनेप्स हो गया, ये वाला पोर्शन में सिनेप्स हो गया, यहाँ सिनेप्स हो गया, ये सिनेप्स हो गया, ये सारे क्या हैं, सिनेप्स हैं। ठीक है, तो सिनेप्स आप देख रहे हैं कि सिनेप्स कहाँ पे बन रहे हैं, सिनेप जो है ये यहाँ पे जो डेंड्राइट है वहाँ पे भी बन सकता है, या तो जो सोमा जो है वहाँ पे भी ये सिनेप्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो पीछे एक्सॉन टर्मिनल जो है, एक्सॉन का जो अंत है वहाँ पे, ये जो है उभरा हुआ जो पोर्शन होता है, ऐसा जो उभरा हुआ, ये जो आपको दाने जैसा लग रहा है उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, या तो सिनेप्टिक बल्ब के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, या तो एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे, सब अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये जो सेल है, जैसे ये क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये वाला जो सेल हो गया ये क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और इतना जो पोर्शन है, ये जो वाला पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच वाला जो पोर्शन है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम सिनेप्स कहेंगे। तो पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जो है नाम जो है देखिए, इस तरह से सारे जो नाम है अच्छे से देखिए आप। ठीक है, देखिए
देखिए न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में किस तरह से सिनेप्स बनाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगा इस फिगर को देखने से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा जो फिगर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये पूरा फिगर आप देख लीजिए एक बार क्या है। देखिए ये जो फिगर है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिनेप्सिस बिटवीन न्यूरॉन्स, है ना। तो सिनेप्स न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में किस तरह से सिनेप्स बनते हैं वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अच्छा अब बात कर रहे हैं, देखिए तो देखिए मोस्ट सिनेप्सिस बिटवीन न्यूरॉन्स आर एक्सोडेंड्रिक। ज़्यादातर जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, सिनेप्स एक्सोडेंड्रिक होते हैं, यानी कि फ्रॉम एक्सोन टू डेंड्राइट। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये वाला, इसका एक्सोन, ठीक है, और ये एक्सोन, एक्सोन के टर्मिनल, है ना, एक्सोन का एंड पोर्शन, और वो उभरा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक एंड बल्ब भी कह सकते हैं। तो ये जो सिनेप्टिक जो एंड बल्ब है, और ये पीले रंग में क्या है, पीले रंग में क्या है, डेंड्राइट है। तो यहाँ पे ये जो बना है, ये सारे जो बन रहे हैं ये क्या है, ये सारे जो हैं ये सिनेप्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिनेप्स जो बने हैं किसके बीच में बने, एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में जो बनते हैं, जनरली ऐसे ही सिनेप्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम, एक्सो डेंड्राइटिक सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो होते हैं एक्सोसोमेटिक, है ना। तो ये एक्सोसोमेटिक जो है ये सिनेप्स किसके बीच में होते हैं, फ्रॉम एक्सोन टू सेल बॉडी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है, ठीक है, ये आपको ये देखिए ये एक्सोन दिख रहा है, और ये जो है यहाँ पे क्या है, सोमा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सोमा और ये साइनेप्टिक एंड बल्ब जो है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे जो साइनेप्स बन रहा है वो कैसा है, तो वो होता है एक्सोसोमेटिक। अच्छा जो सिनेप्स की जो तीसरी जो कैटेगरी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सो एक्सोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सो एक्सोनिक जो है इसमें क्या होता है, फ्रॉम एक्सोन टू एक्सोन, जैसे कि ये आप देखेंगे तो ये वाले जो हैं, ठीक है, ये किसके बीच में हो रहा है, ये सारे जो सिनेप्स है वो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे जो हैं ये सिनेप्स किसके बीच में है, तो एक्सोन एक्सोन के बीच में है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स कहेंगे, ठीक है। अब जो सिनेप्सिस जो हैं, सिनेप्सिस मे बी इलेक्ट्रिकल और केमिकल, है ना। सिनेप्स जो हैं या तो इलेक्ट्रिकल होंगे या तो केमिकल होंगे, एंड दे डिफर बहुत स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। इनका जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स का, ये एक स्ट्रक्चर भी अलग होता है और इनका जो फंक्शन है वो भी अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिगर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फिगर है पूरा फिगर आप देखिए, तो देखिए इसमें आपको, ठीक है, न्यूरोनल पुल्स दिखाएं, किस तरह से जो न्यूरॉन न्यूरॉन जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। तो ये अलग अलग जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जिंग सर्किट हुई, और फिगर के अंदर जो आप एरो देखेंगे तो वो जो एरो दिखा रहे हैं वो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन आपको उससे
समझ आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में नव इम्पल्स कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, खाली ये जो है हमारी जानकारी के लिए है, हम देख रहे हैं फिगर को। तो कन्वर्जिंग सर्किट है, फिर डाइवर्जिंग सर्किट है, फिर रिवर्बरेटिंग सर्किट है, पैरेलल आफ्टर डिस्चार्ज सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से, किस तरह से आप देखिए नर्व सेल के बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में किस तरीके से जो सिनेप्सिस हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखिए, ठीक है, ये जो फिगर है इसमें भी जो तीनों तीनों टाइप के आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक्सो सोमेटिक सिनेप्सिस, ठीक है, फिर एक्सो डेंड्रिटिक सिनेप्सिस और एक्सो एक्सोनिक सिनेप्सिस, जो एक्सोन एक्सोन के बीच में तीनों प्रकार के सिनेप्सिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अच्छा, जो मसल कंट्रैक्शन का जो हमने टॉपिक लिया था उसमें हमने देखा था एक प्रकार का जो सिनेप्स जो देखा था वो हमने बात करी थी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो किस तरह से जो नर्व है वो किस तरह से नर्व इम्पल्स प्रोपोगेट होता है और किस तरह से जो स्केलेटल मसल का जो सेल है, ठीक है, उसमें किस तरह से नर्व इम्पल्स आगे बढ़ता है, वो जो था टॉपिक वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में क्या इवेंट है वो जो बात है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारा जो फोकस है इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम में, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो जो सिनेप्टिक कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, किसके बीच में, अमॉन्ग द बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ में किस तरह से सिनेप्स बनाते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन वाली जो बात है वो तो हम समझ चुके हैं मसल कंट्रैक्शन के टॉपिक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस की। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो हैं ये किसके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस अकर बिटवीन सेल दैट आर इलेक्ट्रिकली कपल वाया गैप जंक्शन। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो हैं न्यूरोन न्यूरोन के बीच में होते हैं और ये जो हैं ये इलेक्ट्रिकली कपल होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसी से नर्व इम्पल्स जो है वो आगे बढ़ता है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या तो जो करंट है एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में कैसे आगे बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा गैप जंक्शन से। ठीक है, और जो फिगर है उसमें भी हम देखेंगे कि ये जो सिनेप्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, दी एक्सोनिमा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों न्यूरॉन की, एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है एक्सोनिमा, तो दोनों न्यूरॉन का आप देखेंगे आर नियरली टचिंग, वो आपको लगेगा कि एक दूसरे को छू रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों जो एक्सोनिमा हैं इनके बीच में जो अंतर है, डिस्टेंस है, वो कितना है, तो वो होता है सिर्फ 3.5 नैनोमीटर। ठीक है, तो पूरा जो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सेल है, तो ये आप बोल सकते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पीछे वाला जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, और इनके बीच में आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, तो ये वाली जो बताई है ये क्या है, ये अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये इस सेल की, आगे वाला जो न्यूरॉन है उसकी एक्सोलिमा, और ये जो अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, जो पीछे वाला जो न्यूरॉन है
उसकी ये एक्सोलेमा हुई, ठीक है। अच्छा, और दोनों दोनों जो एक्सोलेमा हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो होता है सिर्फ 3.5 नैनोमीटर जितना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, गैप जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। गैप जंक्शन क्या होता है, तो गैप जंक्शन जो है कंटेन प्रिसाइसली अलाइन चैनल्स, ठीक है। और ये चैनल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, कांटेक्ट में होती हैं, और चैनल एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगी तो क्या करेंगी, पोर्स बनाएंगी, ठीक है। और इनमें से क्या होता है, दोनों ही जो न्यूरॉन हैं उनके बीच में जो आयन्स हैं और जो दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं, दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं, उनकी मूवमेंट, उनका जो ट्रैवलिंग है वो हो पाता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, इसी को अगर जब हम एनलार्ज करते हैं तो देखिए गैप जंक्शन जो है वो क्या होता है, ये देखिए आपको बताया है फिगर में। तो ये एक आयन चैनल है और ये है ये इस सेल की आयन चैनल, और ये आयन चैनल किस तरह से एक दूसरे के ऊपर अलाइन करती हैं, ठीक है, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। और फिर देखिए ये जो है आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये पोर हो गया, यहाँ पे पोर हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पर्पल कलर के जो डॉट्स हैं वो क्या है, तो भाई आयन की जो मूवमेंट है वो हो रही है, ठीक है। तो देखिए आयन जो है, अच्छा, और आयन और दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो मूवमेंट है, अगर ये जो जो एरो हैं आप देखेंगे तो दोनों ही दिशाओं में बताए हैं, है ना। तो ये आयन की जो मूवमेंट है और दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी है, बाय डायरेक्शनल है, ठीक है, गैप जंक्शन में से, है ना। तो देखिए तो इसकी वजह से क्या होता है कि दिस अलाउज द इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म ऑफ द वन न्यूरॉन टू दैट ऑफ द नेक्स्ट, क्योंकि ये जो गैप जंक्शन है, जो आयन चैनल है, वो एक दूसरे से एकदम अलाइन है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो यहाँ से, जैसे कि ये जो है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जा सकता है, ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो करंट जो है ये वाले सेल में से यहाँ भी जा सकता है, इस वाले सेल में से यहाँ पे भी करंट जो है वो जा सकता है ना। तो करंट का जो मूवमेंट है वो दोनों दिशा में पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये जो था, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में था, जिसमें हमने जो गैप जंक्शन क्या है, ठीक है, दोनों ही न्यूरॉन के एक्सोलेमा के बीच में डिस्टेंस कितना है, गैप जंक्शन क्या है, और गैप जंक्शन में से किस तरह से आयन और दूसरे जो स्मॉल सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया इस पॉइंट में। और इसके रिलेटेड, ये पॉइंट के रिलेटेड आप ये जो फिगर है, ये इस फिगर को आप अच्छे ध्यान से देखिए। तो आपको लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बताया है, और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं वो है केमिकल सिनेप्स, ठीक है। चलिए अब जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो गैप जंक्शन है, ठीक है, दिस अरेंजमेंट क्रिएट टू यूनिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक कल सिनेप्स। जो गैप जंक्शन में जो आयन चैनल जो हैं वो जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई हैं, उससे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो हैं उसके दो यूनिक फीचर हमको देखने को मिलते हैं। देखिए तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, वो मैंने कहा वो बाई डायरेक्शनल है, तो आगे वाले जो सेल में से जो पीछे वाले सेल में, या तो पीछे वाले सेल में से जो आगे वाले सेल में जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो हो सकता है, दोनों दिशा में हो सकता है। अच्छा, और इन एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है इसमें ट्रांसमिशन इज यूजुअली बाई डायरेक्शनल, है ना। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई विच मीन्स दैट आइदर न्यूरॉन में एक्ट एज प्री साइनेप्टिक और द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, एंड दैट करंट में फ्लो इन
आइदर डायरेक्शन बिटवीन द टू सेल. तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरोन के तौर पे काम कर रहा है तो करंट जो है इसमें से इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है. और अगर ये वाला सेल जो है ये अगर प्री सिनेप्टिक न्यूरोन के तौर पे काम करेगा तो करंट जो है यहाँ से इस तरह जाएगा, यहाँ से इस तरह से करंट जाएगा, है ना. तो कोई भी सेल जो है वो प्री सिनेप्टिक या तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन के तौर पे काम कर सकता है. और इसी तरह से जो करंट जो है उसका भी जो ट्रैवलिंग है, उसका जो मूवमेंट है वो भी बाई डायरेक्शनल है, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है इज नियरली इंस्टेंटेनियस, ठीक है. यानी जो साइनेप्स में से जो नर्व इम्पल्स जो है जो आगे बढ़ेगा वो काफ़ी काफ़ी स्पीडी प्रोसेस होती है, ठीक है. अब क्या होता है कि द डिले बिटवीन डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज लेस देन 0.1 ms, ठीक है. तो आगे वाला जो न्यूरॉन है, आगे वाला न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसका क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है. और फिर ये डीपोलराइजेशन हुआ आगे वाले न्यूरॉन का, और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसका भी क्या होता है, उसका जो पोटेंशियल है वो भी बदल जाता है. और ये सब कितने समय में हो जाता है, आगे वाला सेल जो है वो डीपोलराइज हुआ, पीछे वाला जो न्यूरॉन है उसका पोटेंशियल चेंज हुआ, ये सारी जो बातें हैं ये 0.1 ms के समय में हो जाती हैं. तो आप समझिए कि कितनी स्पीड में जो नर्व इम्पल्स है वो आगे बढ़ जाता है, प्रोपोगेट करता है सिनेप्स में से. तो इसका मतलब ये तो जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फास्ट है, ठीक है. और फिर यहाँ पे जैसे लिखा है कि वी विल सी दैट ट्रांसमिशन एट मोस्ट केमिकल सिनेप्सिस रिक्वायर फ्रॉम 1 to a few ms, ठीक है. तो केमिकल जो सिनेप्स हैं वो उसमें हम देखेंगे कि केमिकल सिनेप्स में जो नर्व इम्पल्स का जो प्रोपोगेशन करना है तो वो उस प्रोपोगेशन के लिए तो जो समय है वो कितना चाहिए, 1 to a few ms का चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स हैं उसमें तो 0.1 ms जितना ही समय लगता है ना आगे बढ़ने के लिए. चलिए अब अच्छा अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं इसकी वजह से क्या होता है, अलाउ द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ सेल टू बी सिंक्रोनाइज. तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है, जो न्यूरॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बन सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो न्यूरॉन हैं, बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ में इकट्ठा जुड़ के जो नर्व इम्पल्स है उसको आगे भेज सकते हैं व्हेन स्टिम्युलेटेड, जब वो उत्तेजित हो जाते हैं तब. और जब ये जो न्यूरॉन हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से स्टिम्युलेट होंगे द सेल विल प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल इन यूनिजन. तो सारे जो सेल हैं, सारे जो न्यूरॉन हैं वो इकट्ठा मिल के जो नर्व इम्पल्स हैं उसका प्रोपोगेशन करेंगे. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आर फाउंड प्राइमरीली इन एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम ऑटोमेटिक बिहेवियर सच एज ब्रीथिंग, ठीक है. सारे जो न्यूरॉन हैं, जैसे हमारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो है, ठीक है, तो इसमें ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का प्रोसेस, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ठीक है, तो ये जो है इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूरॉन हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ के जो इलेक्ट्रिक साइनेप्स हैं वो बनाते हैं. और इसकी वजह से क्या है कि जो नर्व इम्पल्स है वो काफ़ी स्पीडी, काफ़ी जल्दी से प्रोपोगेट करता है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेंटर है वहाँ पर बहुत जल्दी से पहुँच जाता है. अच्छा, फिर
ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेवलपिंग नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो जो बच्चे का जब गर्भ विकास है, माँ का जो प्रेगनेंसी है, तो जब बच्चे का जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, फीटस का, तो उसमें भी ये इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्सिस है वो बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो में और फीटस में, एंड आर थॉट टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। और ये जो इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्सिस है वो क्या करते हैं, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसमें भी ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो हैं आर फाउंड आउटसाइड द नर्वस सिस्टम इन लोकेशन एज कार्डियक एंड विजरल स्मूथ मसल। तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो कार्डियक यानी कि जो हार्ट की, हार्ट जो है, हार्ट के जो मसल हैं वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बनाते हैं। ठीक है, और जो विजरल स्मूथ मसल है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसकी वजह से क्या होता है कि वेयर दे अलाउ दोज टिश्यू टू एंगेज इन कोऑर्डिनेटेड मसल एक्टिविटी। तो जैसे कि हार्ट के, हार्ट का जो वॉल है ना, हार्ट के जो फोर चैम्बर्स हैं, एट्रियम और जो वेंट्रिकल है, ठीक है, तो इनकी वॉल में इस प्रकार के जो न्यूरॉन हैं और जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बना रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हार्ट के जो मसल हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो जो हार्ट की जो बीट है, हार्ट बीट जो है, तो जो जो दिल धड़कने की जो प्रोसेस है वो आसानी से, अच्छी तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, कोऑर्डिनेट मैनर से हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे जो विजरल स्मूथ मसल है, जैसे कि जो ईसोफिगस है, इसमें स्वॉलोइंग का प्रोसेस हो गया, या तो फिर जो पेरिस्टाल्सिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, और ईसोफिगस में, स्टमक में, सभी जगह पे, तो उसके लिए भी ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ना। चलिए, अब जो है, अब हम बात कर रहे हैं जो केमिकल जो सिनेप्स है, केमिकल सिनेप्स जो है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल सिनेप्सिस जो है इसमें क्या होता है कि देखिए, जो जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, केमिकल सिनेप्स में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं, इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आर क्लोज, बहुत ही नज़दीक होते हैं। प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, लेकिन दे डू नॉट टच, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं करते, वो छूते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते है कि नहीं। और क्या ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वो एक दूसरे से किससे अलग होंगे, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से अलग होंगे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो क्या है, तो सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है वो है अ स्पेस ऑफ 20 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है वो क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक अवकाश है, और ये जो अवकाश है वो कितना होता है, 20 से 50 नैनोमीटर, और इस अवकाश में क्या भरा होता है, फील विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो फिगर जो है, ये फिगर में मैं आपको बताता हूँ, तो ये जो है, ये हो गया हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, ये हो गया, ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको आप एक्सोलेमा भी कह सकते हैं, ये जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पीछे वाले सेल का, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे जो अवकाश है, ठीक है, इतना जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो कितना होता है, 20 से 50 नैनोमीटर डिस्टेंस है, और इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे जो भरा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल
फ्लूइड होता है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो है कैन नॉट कंडक्ट अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है नर्व इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ तक नर्व इम्पल्स जो है पहुँच गया है, लेकिन नर्व इम्पल्स जो है वो ये वाला जो सेल है इसमें डायरेक्टली नर्व इम्पल्स नहीं जा सकता, है ना। तो देखिए, जो नर्व इम्पल्स जो है कैन नॉट कंडक्ट अक्रॉस दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से पीछे वाला जो सेल है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता डायरेक्टली नर्व इम्पल्स। तो फिर क्या, इसी के कारण क्या होता है, एक दूसरी जो मैकेनिज्म है अल्टरनेटिव इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स, ठीक है, एक इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में देखी जाती है, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से देखिए आप, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है केमिकल सिनेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे कितना कौन सा पोर्शन जूम किया है, तो आपका जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन उसका जो एक्सॉन टर्मिनल में जो सिनेप्टिक बल्ब है, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट है, इनके बीच में ये केमिकल सिनेप बन रहा है, और इसी को जूम करके फिगर में यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, सारे जो नाम है, ठीक है, इवेंट के साथ में आपको दिखाया है, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, देखिए, इन रिस्पॉन्स टू अ नर्व इंपल्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जब नर्व इंपल्स जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल है वहां तक जब पहुंच जाता है, तो प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन के जो जो सिनेप्टिक बल्ब है एंड बल्ब, ठीक है, वहाँ से क्या होता है उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट डिफ्यूज थ्रू द फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये डिफ्यूज होते हैं, और डिफ्यूज होके कहाँ पे जाते हैं, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है उसमें ये ट्रैवल करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर वो जाके बाइंड टू रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं, उसमें रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो जाके जुड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन रिसीव द केमिकल सिग्नल, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के जो रिसेप्टर है उनके साथ में जुड़े, ठीक है। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ने क्या पाया, केमिकल सिग्नल पाया, एंड इन टर्न प्रोड्यूस अ पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और अब जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जुड़ रहा है रिसेप्टर के साथ में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो अब क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो पैदा करता है, ठीक है। और ये पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का ग्रेडेड पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं यानी कि जो नर्व इम्पल्स हैं उनको वो किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू केमिकल सिग्नल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जो आया एक्सॉन टर्मिनल में उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिनेप्टिक एंड बल्ब है उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं वो इस केमिकल सिग्नल को न्यूरोट्रांसमीटर को प्राप्त करते हैं, और वो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे जुड़ेंगे, तो जो रिसेप्टर हैं
वहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है। और फिर अब इनमें क्या होगा, अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जब न्यूरो ट्रांसमीटर जुड़ते हैं तो इंटर्न जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो अब जो पीछे वाला जो न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होता है, जिसको पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, और द टाइम रिक्वायर फॉर दिस प्रोसेस एट अ केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स में ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जो हमने डिस्कस करी, ये होने में कितना टाइम लगता है, तो साइनेप्टिक डिले ऑफ 0.5, ठीक है, मिली सेकंड, है ना, इतना टाइम जो है वो लग सकता है। सो इज़ द रीज़न दैट केमिकल सिनेप्स रिले सिग्नल मोर स्लोली देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स था उसमें हमने देखा था कि 0.1 मिली सेकेंड जो है उसमें जो नर्व इम्पल्स है वो प्रोपोगेट कर जाता था, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है, फिर वो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन है उसके रिसेप्टर के साथ में जुड़ेगा, तो ऐसा होने में क्या है कि थोड़ा टाइम जो है वो लग जाता है, और ये टाइम कितना है, तो 0.5 मिली सेकेंड जितना टाइम इसमें लग जाता है। तो इसी वजह से जब पोस्ट सिनेप्टिक सिनेप्सिस में से जो नर्व इम्पल्स जो प्रोपोगेट होता है तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इन्वॉल्व है न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में, तो उन न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा, प्रोपोगेट करेगा। चलिए, अब ये जो फिगर है ये देखिए, पूरा जो फिगर है वो क्या है, सिग्नल ट्रांसमिशन एट अ केमिकल सिनेप्स, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो फिगर है इसको भी आप ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्या हो रहा है। तो देखिए, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, फिर डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है कि देखिए ये नर्व इम्पल्स जो है वो आया, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे पूरा जो फिगर है इसको, फिर नंबर टू पे क्या हो रहा है, ठीक है, फिर हर एक नंबर जो है वहाँ पे इवेंट है, वो इवेंट क्या है इसी के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं, 4 5 6 7, ठीक है ना, इस तरह से। तो पूरा जो फिगर है अच्छे से ध्यान से देखिए, सारे जो नंबरिंग है ब्लू कलर में वो भी देखिए, और ये नंबरिंग जो है वो क्या बता रहे हैं, वो क्या इवेंट है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब देखिए, अ टिपिकल केमिकल सिनेप्स ट्रांसमिट्स अ सिग्नल एज फॉलोज, ठीक है। केमिकल जो सिनेप्स है उसमें से जो सिग्नल है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, तो देखिए, अ नर्व इम्पल्स अराइव्स एट सिनेप्टिक एंड बल्ब और एट वेरिकोसिटी, ठीक है, सिनेप्टिक एंड बल्ब है उसके पास में क्या पहुंचता है, नर्व इम्पल्स कहाँ पे पहुंचता है, सिनेप्टिक एंड बल्ब पे पहुंचेगा, ठीक है, और प्री सिनेप्टिक एक्सोन फिगर में हम देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये आपको जो है ये क्या बताया है, ये सिनेप्टिक एंड बल्ब बताया है, और आप देख रहे हैं कि जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ पे पहुंच गया, तो नर्व इम्पल्स जो है वो सिनेप्टिक एंड बल्ब तक पहुंच गया है। चलिए, अब क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्स पहुंचा उसका द डीपोलराइजेशन फेज ऑफ द नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स का जो डीपोलराइजेशन वाला जो फेज है वो क्या करता है, ओपन्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जो C8+ चैनल है वो नर्व इम्पल्स के डीपोलराइजेशन वाला जो फेज है उसकी वजह से अब क्या होती है, जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा में जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाती है, और इसकी वजह से क्या है कि ये जो चैनल जो है वो ओपन हो गई, ठीक है। तो अब जो कैल्शियम के जो आयन है, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है
एक्सोन के आसपास के जो जगह है, ठीक है, साइनेप्टिक एंडबल के बाहर वाला जो फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, वहाँ पे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये जो चैनल है वो खुल गई है, तो C8+ जो है वो क्या करता है, फ्लो इनवर्ड टू दी ओपन चैनल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में C8+ जो आयन है वो होते हैं। और अब ये देख रहे हैं आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो आया, ठीक है, नर्व इम्पल्स का जो डीपोलराइजेशन फेज है उसकी वजह से वो नर्व इम्पल्स कहाँ पे पहुँचता है, जब नर्व इम्पल्स यहाँ पे कैल्शियम चैनल तक पहुँचेगा तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो हैं वो अब खुल गई हैं। तो वो खुल गई हैं तो बाहर से जो कैल्शियम के जो आयन हैं, ठीक है, वो का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से वो क्या जो साइनेप्टिक एंड बल्ब है उसके अंदर ये C8+ जो आयन है वो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है, जो सिनेप्टिक एंड बल्ब है उसमें कैल्शियम का C8+ का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो है कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन बढ़ी वो एक सिग्नल के तौर पे काम करती है, और ये सिग्नल जो है वो क्या करता है, ट्रिगर एक्सोसाइटोसिस ऑफ दिस साइनेप्टिक वेसिकल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए आप क्या हो रहा है कि जो C8+ है, जो पर्पल जो डॉट्स या तो बॉल आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो कैल्शियम है, तो कैल्शियम अंदर आया तो ये सिनेप्टिक जो वेसिकल है, ठीक है, ये सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर क्या भरा होता है, तो सिनेप्टिक वेसिकल जो है इसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, और ये सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो कहाँ जा रही है, तो देखिए उसका क्या हो रहा है, वो उसका एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो एक्सोलेम्मा है यहाँ पे टूवर्ड्स द साइनेप्टिक क्लेव, वहाँ पे जाके ये जो साइनेप्टिक वेसिकल हैं वो अब फट रही हैं, है ना, वो रप्चर हो रही हैं, ठीक है। तो वो रप्चर होंगी, फटेंगी, तो क्या होगा, उनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मॉलिक्यूल हैं ये वाले आप देख रहे हैं, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल फट गई तो जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल हैं वो अब क्या हो गए, वो रिलीज़ हुए, और वो रिलीज़ होके कहाँ पे आए, साइनेप्टिक क्लेफ में आए हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए हर एक जो सिनेप्टिक जो वेसिकल है उसमें सेवरल थाउजेंड मॉलिक्यूल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, उसमें हर एक जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसमें हजारों न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने फिगर में देखा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मॉलिक्यूल है जो रेड डॉट में है जो हमने देखे, वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज़ करते हैं साइनेप्टिक क्लैप में से, और वो कहाँ पे जाके जुड़ते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इन दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि ये जो है ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं वो क्या हैं, ये रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर को क्या कहते हैं, तो लिगांड गेटेड चैनल भी इनको कहते हैं, या तो इनको आयन चैनल के नाम पे भी जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर, और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो क्या करता है, ये जो चैनल है लिगैंड गेटेड उसके साथ में ये न्यूरो ट्रांसमीटर है वो इस तरह से यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है कि देखिए, तो जो हम बात कर रहे थे ग्रीन कलर में जो रिसेप्टर जो थे, वो रिसेप्टर क्या होते हैं, जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर जुड़ता है, तो रिसेप्टर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ लिगैंड गेटेड चैनल, ठीक है। पूरा जो ग्रीन कलर का जो है वो क्या, आप पूरा जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये क्या है, ये लिगैंड गेटेड चैनल है, और जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर यानी ये वाला जो पोर्शन है, मैं और जूम कर देता हूँ, यानी कि इतना जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या कहेंगे आप, इनको कहेंगे आप रिसेप्टर, ठीक है। और पूरा जो है, पूरा क्या है, तो पूरा जो है ये देख रहे, ये जो है ये क्या है, लिगैंड गेटेड चैनल है, ठीक है कि नहीं।
तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमने क्या देखा, जो लिगैंड गेटेड चैनल के जो रिसेप्टर है उसके साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। और फिर यू विल सून लर्न दैट दिस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इज कॉल्ड एन आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर। तो इस प्रकार के जो रिसेप्टर हैं इनको क्या कहेंगे हम, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, नॉट ऑल न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर। ऐसा नहीं है कि सभी जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर के साथ में जुड़ते हैं, और कुछ जो हैं सम बाइंड टू मेटाबो ट्रॉपिक रिसेप्टर, कुछ जो हैं वो मेटाबो ट्रॉपिक रिसेप्टर जो हैं उनके साथ में भी जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो डिस्कशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब तो अब क्या होता है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे जुड़ा, रिसेप्टर के साथ में जुड़ा लिगैंड गेटेड चैनल में। तो उसकी वजह से ये जो लिगैंड गेटेड चैनल जो है वो क्या हो जाती है, वो ओपन हो जाती है, ठीक है। और ये चैनल ओपन हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये चैनल ओपन होने की वजह से अलाउज पर्टिकुलर आयन्स टू फ्लो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या है, पर्टिकुलर जो आयन है ये आयन फ्लो करते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो देखिए आप यहाँ पे जो देखेंगे कि भाई जो जो चैनल है लिगैंड गेटेड चैनल है, ठीक है, ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिसेप्टर के साथ में जुड़ गया, चैनल जो है वो ओपन हो गई। और ये देखिए ये एन ए प्लस जो है ग्रीन कलर में, वो क्या जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसमें अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। एन ए प्लस जो है वो अब अंदर आ रहे हैं, है ना, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर को भी आप अच्छे से देखना, ठीक है, ध्यान से। तो स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल सिनेप्स बता रहा है ये, चलिए यहाँ पे भी ये जो फिगर है ये भी ध्यान से हम देख रहे हैं, ठीक है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बताया, फिर ये देखिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। और इसमें भी जो सारे जो हैं इवेंट्स, ठीक है। अब तो देखिए देखिए ये सारे जो पॉइंट हैं, ठीक है, इतना तो हम पहले भी हम जो डिस्कस जो कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जो रिसेप्टर की, वो रिसेप्टर का नाम जो है जो रिसेप्टर तो ठीक है, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो रिसेप्टर के साथ में जुड़ता है वो कौन सा है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल जो है जो बर्स्ट हुई थी तो उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था वो है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब तो ये पॉइंट तो हमको पता है कि भाई जो नर्व सिग्नल आया, एक्सॉन टर्मिनल ओपन, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, कैंसर चैनल जो है वो ओपन हो गई, कैल्शियम चैनल जो है, ठीक है, कैल्शियम चैनल कैल्शियम जो है चैनल ओपन की वजह से सी ए ट्वाइस प्लस अंदर आए, तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल हो गया, ठीक है। और ए सी एच जो है न्यूरो ट्रांसमीटर वो रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये बात जो है फिगर में आप देखिए, देखिए कैल्शियम जो है यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम अंदर आया, ठीक है। और ये जो है सिनेप्टिक वेसिकल जो है एक्सोसाइटोसिस होके जो ए सी एच जो है वो बाहर निकल रहा है, और ए सी एच जो है वो कहाँ पे, जो लिगैंड गेटेड जो चैनल है उसके साथ में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जुड़ गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जुड़ रहा है ए सी एच। चलिए अब तो अब क्या है, ए सी एच जो है रिलीज हो गया, ठीक है। तो देखिए ईच वेसिकल ड्रॉप बैक,
each vesicle drop back into the cytoplasm to be refilled with ACH. अच्छा, जो जो vesicle जो थी, जिसका ACH release हो गया, वो कहाँ जाती है? वापस, वापस cytoplasm में जाएंगी, ठीक है? While synaptic vesicle in the reverse pool move, ठीक है? जो खाली हो, ACH जिसका निकल गया, तो वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी साइटोप्लाज्म में वापस भरने के लिए, ठीक है? और साइनेप्टिक वेसिकल इन द रिवर्स पुल मूव टू द एक्टिव साइट, ठीक है? कुछ जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो कहाँ पे आती हैं? एकदम आगे की ओर आएंगी एंड रिलीज देयर ACH, ठीक है? तो ये जो है रिलीज देयर ACH, जो आगे वाली जो है साइनेप्टिक वेसिकल, वो क्या करेंगी? अपना जो ACH है उसको रिलीज करेंगी. और ये कैसे होता है? अ बिट लाइक अ लाइन ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉल सोल्जर फायरिंग देयर मस्केट एंड फॉलिंग बैक टू रीलोड एज अनदर लाइन मूव्स टू फो, ठीक है? तो जैसे वर्ल्ड वॉर में आपने देखा होगा जो सोल्जर्स हैं, तो उनकी जो बंदूकें हैं, जो पिस्तौल हैं, वो क्या, वो पहले अपनी जो गन है उससे फायरिंग कर देंगे, है ना? एक लाइन वाले जो सोल्जर्स हैं उन्होंने फायर कर दिया, और फिर उनका फायरिंग हो गया तो उनकी गन खाली हो गई, तो फिर वो गन को जब लोड करेंगे, बाय द टाइम क्या होगा, पीछे वाली लाइन के जो सोल्जर हैं वो क्या करेंगे, अब फायरिंग चालू करेंगे. फिर वो जो जिनकी गन खाली हो गई थी उन्होंने अपनी गन भरी और अब वो फायर कर रहे हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही होता रहता है ना? सारी जो सिनेप्टिक जो वेसिकल है वो यहाँ पे अरेंज होके फट जाएंगी, ACH रिलीज करेंगी, और ये खाली हो गई तो वापस ACH भरने के लिए अंदर जाएंगी, ठीक है? उसके दौरान यहाँ पे दूसरी आएंगी, वो ACH को खाली करेंगी, ये वापस जाएंगी खाली वाली. इस तरह से ये होता है, ठीक है? अब इसी दौरान जो ACH जो है, ACH मैंने कहा कि क्या जो लिगेंड गेटेड जो चैनल है उसके जो रिसेप्टर है उसके साथ में जुड़ते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से चैनल जो है वो ओपन हो गई, और क्या होता है, जो Na प्लस जो है वो अब अंदर आ जाता है, ठीक है? कहाँ पे Na प्लस कहाँ पे आता है? तो Na प्लस जो है वो आता है जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें आता है, ठीक है? और जो K प्लस है, अब क्या होता है, K प्लस जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है ना? तो ये देखिए, यहाँ पे जो है लिगान गेटेड जो चैनल है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो Na प्लस जो है वो अंदर आए, ठीक है? और ये Na प्लस अंदर आने का जो स्पीड है, ठीक है, ये Na प्लस जो है वो बहुत ही जल्दी अंदर आते हैं. और दूसरी एक बात, ये वाली चैनल और ये वाली चैनल जो है वो कोई अलग चैनल नहीं है, भले यहाँ पे फिगर में अलग अलग दिखाया है, लेकिन ये सेम चैनल ही है, ठीक है? लिगान गेटेड जो चैनल है वही है, दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मूवमेंट दिखाने के लिए कि भाई Na प्लस अंदर आता है और ये K प्लस जो है वो बाहर जाता है. अच्छा, और दूसरी एक बात क्या होती है, ये Na प्लस जो है वो बहुत बहुत जल्दी से अंदर आ जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में. आप देख सकते हैं कि भाई Na प्लस जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो और यहाँ पे Na प्लस अंदर आए उसकी वजह से अंदर की ओर क्या होता है, अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि बाहर पहले क्या था, जो Na प्लस जो थे वो अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ उसी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज जो है वो डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप होता है. और अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि अंदर Na प्लस आए इस वजह से, ठीक है कि नहीं? तो ये जो इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इतना पोर्शन को हम कहेंगे ये पोर्शन जो है वो डीपोलराइज हो गया, ठीक है? अच्छा, डीपोलराइज हुआ तो अब ये डीपोलराइजेशन जो जोन है इसके बाजू में क्या आएगा, ये जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन तो अभी क्या है कि जो नॉर्मलाइज जो स्थिति है वो है, ठीक है? ये तो नॉर्मल है अभी. तो अब ये डीपोलराइजेशन की वजह से अब यहाँ का भी है क्या, ये भी यहाँ पे भी डीपोलराइजेशन होगा. अच्छा, और ये क्या, इसमें यहाँ पे भी क्या, बीच बीच में यहाँ पे भी आयन चैनल होती है, सोडियम चैनल होती है और पोटेशियम चैनल जो है वो होती है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अब डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, जो Na प्लस जो है वो अंदर आएगा, ठीक है? और फिर बाद में K प्लस जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये पूरा जो सिलसिला है ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का, इस तरह से ये आगे बढ़ता है नर्व इम्पल्स, ठीक है?
चलिए अब तो हम जो बात कर रहे थे कि जो एन ए प्लस की जो एंट्री है, एन ए प्लस जो अंदर आता है, मैंने कहा आपसे वो बहुत ही जल्दी आता है, और उतनी जल्दी के प्लस जो है वो बाहर नहीं जा पाता उस चैनल से। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जब एन ए प्लस अंदर आया तो माइनस हो गया, और अंदर एन ए प्लस है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये डीपोलराइजेशन हो गया। और फिर रीपोलराइजेशन कैसे होगा इस पार्ट का, तो जब के प्लस जो है वो धीरे धीरे करके बाहर जाएंगे, तो के प्लस बाहर जाने की वजह से फिर यहाँ पे भी फिर पॉजिटिव चार्ज जो है वो जाके डेवलप होगा, ठीक है, और अंदर फिर से फिर जो नेगेटिव चार्ज है वो डेवलप होगा, ठीक है, वो रीपोलराइजेशन में होगा। तो देखिए अब मैंने जो आपसे कहा कि भाई एन ए प्लस जो है वो अंदर आया तो वो क्या करता है, इट स्प्रेड आउट अलोंग द इनसाइड दी ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे वो फैल जाता है एन ए प्लस, और इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अंदर की जो सतह है वहाँ पे एन ए प्लस की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और एन ए प्लस अंदर आ गया तो बाहर की ओर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसी को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग अ लोकल वोल्टेज शिफ्ट, तो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लोकल वोल्टेज है वो भी अब चेंज हो जाता है, और इसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और लाइक अदर लोकल पोटेंशियल इफ दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट इनफ, और ये अगर जो है पोटेंशियल जो चेंज हुआ अगर ये स्ट्रॉन्ग इनफ है तो फिर क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने कहा आपसे कि जो आगे वाली जो वोल्टेज गेटर जो चैनल है वो ओपन होंगी, और जो डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का जो वेव है वो जो पूरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर तो इस तरह से जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का जो वेव है वो आगे बढ़ा, तो वही हम कहेंगे कि जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, ये डीपोलराइजेशन फिर रीपोलराइजेशन फिर डीपोलराइजेशन फिर रीपोलराइजेशन, इस तरह से ये आगे बढ़ जाएगा तो वो हम कहेंगे नर्व इम्पल्स जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है। अच्छा अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अब ये पूरी जो प्रोसेस है ना, इसको अब हम बात करेंगे सेसेशन ऑफ द सिग्नल, ठीक है। सेसेशन ऑफ द सिग्नल का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया है अब कैसे पूर्ण होगी, ठीक है कि नहीं, कि देखिए इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली टू स्टिम्युलेट अ पोस्ट सिनेप्टिक सेल बट ऑल्सो टू टर्न ऑफ द स्टिम्युलस इन ड्यू टाइम। तो अब जो है जो नर्व इम्पल्स जो है वो तो चलो आगे बढ़ गया पोस्ट जो सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें, लेकिन हमको क्या है कि जो स्टिम्युलस जो है ना उसको भी अब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली नर्व इम्पल्स जो है वो आगे बढ़ाते रहना है, एक नर्व इम्पल्स आगे बढ़ गया तो फिर ये नर्व इम्पल्स को अब दूसरे नर्व इम्पल्स को रोकना भी है, वरना क्या होगा, अदरवाइज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कुड कंटिन्यू फायरिंग इनडेफिनेटली, वरना उसमें तो क्या है कि जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन का जो वेव है वो आगे बढ़ता ही रहेगा, नर्व इम्पल्स आगे बढ़ता रहेगा, कॉजिंग अ ब्रेकडाउन इन द फिजियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन, और इसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल जो कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे शरीर की जो गतिविधियाँ हैं एक्टिविटी हैं या तो प्रक्रियाएँ हैं बॉडीली, उनमें भी ये उसको भी ये हानि पहुँचा सकता है। अब देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमने बात करी यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन की, तो बाइंड टू इट्स रिसेप्टर फॉर ओनली 1 मिलीसेकंड और सो, बहुत ही कम समय के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइल कोलाइन वो रिसेप्टर के साथ में जुड़ता है, और फिर क्या होता है देन डिसोशिएट फ्रॉम इट, ठीक है, फिर क्या वो रिसेप्टर से अलग हो जाता है एसिटाइल कोलाइन जो है वो, ठीक है कि नहीं। अच्छा इफ दी प्री सिनेप्टिक सेल कंटिन्यू टू रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर वन मॉलिक्यूल इज क्विकली रिप्लेस बाय अनदर एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल इज रीस्टिम्यूलेटेड, और अगर अगर एक के बाद एक अगर न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिसेप्टर के साथ में जुड़ते ही रहेंगे तो जो पीछे वाला जो सेल है वो कंटिन्यूसली स्टिम्यूलेटेड ही रहेगा, ठीक है।
तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमको कि दिस इमीडिएटली सजेस्ट अ वे ऑफ स्टॉपिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है उसको हम रोकना होगा। तो कैसे? तो जो नए जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उनका जो एडिशन है वो रोक के। ठीक है, तो वो कैसे रोकेंगे? तो पहले तो क्या करना है, गेट रिड ऑफ दैट विच इज़ ऑलरेडी देयर। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो जो सिनेप्टिक क्लेफ में जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमको दूर करना है। अच्छा, तो ये कैसे होगा? द फर्स्ट स्टेप इज अचीव सिंपली बाय द सेसेशन ऑफ द सिग्नल इन द प्री सिनेप्टिक फाइबर। सबसे पहले क्या करना है, प्री सिनेप्टिक फाइबर जो है इसमें जो सिग्नल जो आते हैं उसको एक तो रोकना है, और द सेकेंड कैन बी अचीव इन द फॉलोइंग वे। और जो दूसरा तरीका है वो इस प्रकार से है जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है कि भाई जो नर्व इम्पल्स है, जो प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर, वो नर्व इम्पल्स ही बंद हो जाए। और दूसरा तरीका क्या है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन जो है इसका जो डिग्रेडेशन हो जाए। तो देखिए, सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जो है वो क्या करता है, ब्रेक दी न्यूरो ट्रांसमीटर, जो एसिटाइल कोलाइन है उसका ब्रेक करता है। किस में उसको ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ता है इंटू फ्रैगमेंट दैट हैव नो स्टिमुलरी इफेक्ट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम की हम जो बात कर रहे हैं वो एंजाइम कौन सा है, एसिटिल कोलाइन एस्ट्रेज। और ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, ब्रेकिंग ACH डाउन इनटू कोलिन एंड एसिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए जो फिगर है इसमें भी हम देख लेते हैं कि आगे जो था फिगर ये देखिए। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स यहाँ से भी प्रोपोगेट हो गया, उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो देखिए, ये रिसेप्टर से ACH जो है वो अलग हुआ। अलग होने के बाद क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ जो है उसमें एंजाइम होता है, कौन सा, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। इसके साथ में ये ACH जो है वो जुड़ जाता है। ये एंजाइम जो है एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज वो क्या करता है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन उसको ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ता है किस में, कॉलिन में और एसीटेट में। ठीक है, तो कॉलिन में और एसीटेट में होने के बाद अब क्या होता है, देखिए ये जो कॉलिन है वो कहाँ जा रहा है, वापस, ठीक है, ये चैनल में से होता हुआ ये अंदर आ गया, है ना, जो सिनेप्टिक जो नॉब है उसमें वापस चला गया कॉलिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो ये हुआ कि भाई जो कॉलिन है और एसिटेट में जो हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर था वो कॉलिन और एसिटेट में ब्रेक हो गया इस एंजाइम की वजह से। अब क्या होता है, अब देखिए री अपटेक, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन और इट्स ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर री एब्जॉर्ब बाई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो कोलिन जो है वो अंदर चला जाता है, या तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, ठीक है, वो जो है वो री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और रिमूविंग देम फ्रॉम दी सेनेप्स, और उनको सेनेप्स जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर एंडिंग द स्टिम्युलेटरी इफेक्ट, और अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है इनका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, या तो इनका री एब्जॉर्बन हो जाता है, उसकी वजह से अब इनकी जो स्टिम्युलेटरी जो इफेक्ट है ना वो अब ख़त्म हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। कोलिन जो है, कोलिन फ्रॉम ACH इज़ रिसाइकल टू मेक न्यू ACH, कोलिन वापस चला जाता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के सिनेप्टिक एंड बल्ब में, और कोलिन का फिर से इस्तेमाल होता है ACH को फिर से बनाने में। अमाइनो एसिड एंड मोनोअमाइन न्यूरो ट्रांसमीटर आर सिमिलरली री एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर जो दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, या तो मोनो अमाइनो मोनो अमाइन जो ट्रांसमीटर हैं
वो भी इसी प्रकार से इनका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है एंड देन ब्रेक डाउन विद इन द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो फिर बाद में कहने का मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि एसिटाइल कोलाइन जो है वही न्यूरोट्रांसमीटर है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, मोनो अमाइन जो है वो भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं। तो ये वापस कहाँ पे चले जाएंगे, तो इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद में फिर जो एक्सॉन टर्मिनल है उसमें यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक एंड बल्ब है उसमें एंजाइम होता है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, वो क्या करता है इनका अमाइनो एसिड या तो मोनो अमाइन का ब्रेक डाउन कर देता है। फिर सम एंटी डिप्रेशन ड्रग वर्क बाय इनहिबिटिंग MAO। ठीक है, कुछ जो एंटी डिप्रेशन ड्रग जो होती हैं वो क्या करती हैं MAO जो है उनको इनहिबिट कर देती हैं। अच्छा, फिर डिफ्यूज़न की बात करते हैं।